सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 93। और आप देख सकते हैं ये रथ यात्रा चल रहा है और मैं सीधे पहुंच गया रथ यात्रा में, जो कि वर्धमान से निकल के गांधीधाम जाएगा। ब्लॉग बनाने में काफी लेट हो गया मैं, क्योंकि हमारी एक शॉप है, वहां से निकल के यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया। अभी इतनी पब्लिक है और आगे और पब्लिक बढ़ जाएगी, जैसे जैसे मार्केट आएगा पब्लिक और बढ़ती जाएगी। इधर गांव वाले कुछ प्रसाद चढ़ा रहे थे तो उस वजह से रथ को रोका गया था। अभी रथ आगे बढ़ चुका है। डंपली, रथ यात्रा में क्या कहना चाहोगे? चलो 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 चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रथ चल रहा रथ चल रहा। और ये रथ यात्रा में कुछ जलसा करते हैं। और ये गांव के कुछ लोग भी आ गए इधर साथ में रथ यात्रा में शामिल। और ये रथ यात्रा देखा, देखो कहाँ कहाँ बैठा हुआ। रथ यात्रा देखना, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? एक्चुअली गांव के ही लोग हैं जो कि दीवारों पे कहाँ कहाँ चढ़ के बैठ के देख रहे हैं। और हमारे सदस्य कुछ सेवा में कार्यरत, पानी देते हुए सबको। ये रथ यात्रा का जो कुल डिस्टेंस होता है 11 से 15 किलोमीटर होता है। और बाजू में जो मैप देख रहे हैं उसके थ्रू अभी बताने की कोशिश करता हूँ। वर्धमान नगर के गलपादर विलेज से नेक्सा शोरूम, नेक्सा शोरूम से होम सिनेप्लेक्स, होम सिनेप्लेक्स से रोटरी सर्कल, रोटरी सर्कल से सुंदरपुरी, सुंदरपुरी से गांधी मार्केट, गांधी मार्केट से चावला चौक, चावला चौक से सीधा रेलवे कॉलोनी, शिव मंदिर। ये सब रूट रहते हैं रास्ते में जो रथ यात्रा होता है। काफ़ी तादाद में लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पे रथ यात्रा में शामिल होने, और पब्लिक भी देखने लायक होती है। कम से कम मतलब कह सकते हैं कि एवरेज 5 से 6 हज़ार लोग, एवरेज कह सकते हैं कि इतने पब्लिक आती है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कम तो नहीं होते, ज़्यादा हो सकते हैं। जो रथ का ऊपर का हिस्सा ऊपर आते हुए देख रहे हैं, इसके लिए जो तार वगैरह आते हैं बीच में उसके लिए ये चीज़ सिस्टम बनाया गया है। और ये काफ़ी यूनिक चीज़ है इस रथ यात्रा का, इस रथ का जैसे ही तार वगैरह आता है या झाड़ वगैरह आता है उसको नीचे कर दिया जाता है ताकि रथ को कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये पब्लिक देख सकते हैं आप, काफ़ी तादाद में पब्लिक आई हुई है। तो फाइनली रथ पहुंच गए हैं इधर रेलवे कॉलोनी गांधीधाम, और ये पूजा अर्चना चालू के बाद अभी तीनों भगवान को अंदर मंडप में ले जाएंगे। Oh, my God.
आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं रिटर्न रथ यात्रा में जो कि होने वाला 28 तारीख को। और सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आए और रथ यात्रा में शामिल हो।